हाय डियर स्टूडेंट, यूट्यूब के मैग्नेट इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है, ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, अपाक मीडियम क्या होता है, सारी चीज़ों का डिटेल्स जो है वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका लाइट रे, प्रकाश किरण। मान लेते हैं जो प्रकाश की किरण है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, प्रकाश की किरण ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सीधे मार्ग से होकर जाती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ये थ्री टाइप्स का होता है, अभिसारी, अपसारी, समांतर। जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारी किरणें हैं, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है आपका अपसारी, इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें अगर आती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, डिस्को वगैरह में ऐसे एक गोल टाइप का लाइट होता है, वही एक ही जगह से कई सारा लाइट निकलता है तो और सब अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। अगला है आपका समांतर, जब प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं और ये डायग्राम भी बना सकते हैं आपके हिंट के लिए। अगला है आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जैसे दो लड़के हैं, एक लड़का जो है वो अपने हाथ में मिरर ले रखा है और दूसरा कहीं दूर है, तो पहला लड़का जो है वो प्रकाश की किरणों को, ठीक, संदेश जो लाइट आ रही है उसकी किरणों को, उसकी रेज को उस पर जो दूसरा लड़का है उसके आंख पर अगर डालता है तो चकाचौंध लगता है। ठीक, तो ये देखो जो फर्स्ट मीडियम से लाइट जो फर्स्ट मीडियम से आ रही है, हवा से आ रही है, ठीक, और ये जो दर्पण है वो कांच का है तो कांच से टकराई और फिर आगे बढ़ गई, यानी एक माध्यम से चलकर प्रकाश आ रही है, दूसरे माध्यम से टकरा रही है और फिर पहले ही माध्यम में, जब यहाँ पे चलेगी यहाँ भी तो हवा है तो पहले माध्यम से प्रकाश आई, दूसरे माध्यम में टकराई और फिर पहले माध्यम में ही वापस चली गई। इसी फेनोमेनों को हम कहेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, कोई दर्पण है, ठीक, यहां से लाइट रे जा रही है, प्रकाश की किरण आई, ठीक, इससे टकराई और फिर वापस उसी मीडियम में वापस हो गई, ये क्या होगा, दूसरा मीडियम। ठीक, ये आपका वायु था और ये आपका कांच है, तो पहले मीडियम से प्रकाश जो है वो आ रही है, दूसरे मीडियम के तल से टकरा रही है और फिर पहले ही माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको लिखना है, अगर आपके एग्जाम में आ गया, ठीक, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा हम अभिलंब डाल देते हैं ताकि हमको पता चले ये लाइट रेज कौन सी है और ये कौन सी है। यहां से देखेंगे ये जो लाइट रे है, प्रकाश की किरण ये आ रही है, तो आ रही है तो इसका नाम क्या हो गया, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, अच्छा ये परावर्तित हो गई, आई और परावर्तित हो गई तो इसका नाम हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे हम इस जो बिंदु है यहाँ पे जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं इसका नाम दे देते हैं आपतन बिंदु, आपतन
हाँ, अभी हम ये लंब डालेंगे तो इसका नाम हो गया क्या, अभिलंब, नॉर्मल। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और क्या हो गया, अभिलंब। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम बताते हैं। चलिए, हो गया होगा। तो अब रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, ठीक, मतलब प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, ठीक, इसको हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इसके दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला नियम ये है, पहले इसका जिक्र करना है, इसका जिक्र करना है, इसका और इसका, यानी आपतित किरण जो ये किरण आ रही है, परावर्तित किरण जो ये किरण परावर्तित हो गई, और आपतन बिंदु पर जो खींचा हुआ क्या है, अभिलंब है, वो तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये है आपका पहला नियम। फिर से देखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है या तीनों एक ही बिंदु पर होता है, ये क्या है आपका पहला नियम है। तो पहला नियम हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तो यहां पे देखिए एक एंगल बन रहा है, ये जो अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, इसके बीच में क्या है, एक कोण बन रहा है जिसका हम नाम देंगे आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक। और इससे को आई से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो आगे है आपका, यहां देखिए फिर से अभिलंब के साथ परावर्तित किरण के साथ एक एंगल बन रहा है, इसको हम नाम देंगे कोण आर, इसका नाम होगा परावर्तन, परावर्तन कोण, ठीक। ध्यान से देखिए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मतलब आपतन कोण है, वो परावर्तन कोण के क्या है, बराबर। तो यही हो गया दूसरा आपका नियम, कोण आई इक्वल टू क्या होता है, कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा क्या है, कोण आई इक्वल टू कोण आर, मतलब जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये रहा आपका दोनों नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक। जैसे अगर आपके क्वेश्चन में आ गया, देख लेते हैं, सपोज करिएगा, मान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और यहां पे आपको दे दिया कि आपतन कोण का मान कितना है, आपतन कोण यानी कोण आई, ठीक, कोण आई इज इक्वल टू दे दिया अगर आपका कि आपका है 40, ठीक है। अगर वो बोल दिया, सपोज कीजिए कि आपतन कोण का मान 40 है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, आपतन कोण का मान 40 है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए, कोण आर कितना होगा। तो आप क्या आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप यहां से देख के कर सकते हैं कि जब ये आई जो है वो 40 है, तो आर भी कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। फिलहाल अब इतना हो गया, अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो ये दो टाइप्स का होता है, ठीक, इतना क्लियर हो गया पूरा, आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका नियमित परावर्तन और एक होता है आपका अनियमित परावर्तन, ठीक। लाइट रेज आपकी आ रही है,
और यहां से जारी। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? नियमित परावर्तन, ठीक, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। तो जो प्रकाश का जो परावर्तन है वो खुरदुरे तल से होता है। कहां से? खुरदुरे तल से। तो क्या होगा? अनियमित परावर्तन, इरेगुलर, और अगर प्रकाश का परावर्तन चिकने तल से होगा तो उसे बोलते हैं रेगुलर, नियमित परावर्तन। ठीक, इसका उपयोग यहाँ करते हैं कि इसे खिड़की हो गई, खिड़की में अगर आप लगाते हैं तो आने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक, वो पूरी ना आके थोड़ा मोड़ा आती है, जिससे चकाचौंध से हम बच जाते हैं। या फिर अखबार जो होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है, ताकि जो छोटे अक्षर लिखे हैं उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया होगा। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है वो हम जानेंगे। आपको पता है कि यहाँ से जो लाइट रेस है वो आ रही है और यहाँ टकरा के फिर वापस चली गई। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाए तो परावर्तित क्या हो जाएगा? आपतित। इसी जो गुण है, इसकी जो ये क्वालिटी है, इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अगर हम इधर वाला इस साइड मान लेंगे तो इधर वाला इस साइड हो जाएगा। ठीक, तो बस इसी को हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप लिख सकते हैं कि अगर आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण हो जाती है। इसी गुण को रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।